पाकिस्तान को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि अभी अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत को बैठे बिठाए आधा पीओके मिल चुका है। जी हाँ, बता दें आपको कि पीओके का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसका 50% हिस्सा भारत को अपने आप मिल चुका है। अब बचा 50% हिस्सा है जिसके लिए बहुत ही जल्द इंडियन आर्मी कुछ बड़ा कर सकती है। यह बड़े संकेत मिल रहे हैं, कहीं और से नहीं। सीधा इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे, रुख करेंगे अब बड़ी अपडेट की। बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है, दाने दाने के लिए मोहताज है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरीके से बार बार TPP हमले कर रही है, बार बार पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस को घुटने पर लाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बाद अब पाकिस्तान ने जो खोया है वह सबसे बड़ा है। बताया जा रहा है कि पीओके का आधा हिस्सा पाकिस्तान खो चुका है। दरअसल पीओके में जिस तरीके से लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के पीओके वाले इलाके के लोगों ने भारत का तिरंगा पाकिस्तान के इलाके में लहराना शुरू कर दिया है, उन सभी चीज़ों के बाद अब भारत को आधा पीओके मिल चुका है। बचा जो आधा पीओके है, उस आधा पीओके पर इंडियन आर्मी कभी भी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करके बहुत ही जल्द उसे वापस ले सकती है। बताया जा रहा है कि जब इंडियन आर्मी यह सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो पाकिस्तान के ऊपर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 कहा जाएगा। और इन सभी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान से पूरा पीओके लिया जाएगा तो अब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी दे सकता है, जिससे बचने के लिए बहुत सारे ऐसे खुफिया एजेंसी एक्टिव हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को ही न्यूट्रलाइज कर देंगे और जिससे पाकिस्तान हाथ मलता रह जाएगा। और भारत के इस कूटनीति के आगे पूरी दुनिया हैरान है कि भारत ने कैसे बड़े ही आसानी से आधा पीओके भी ले लिया, और बचा आधा पीओके बहुत जल्द भारत को पूर्ण रूप से मिल जाएगा।